तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए कल मतलब 6 अप्रैल को आखिरी दिन है, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो हम जानेंगे, और इसके अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों जो यस बैंक का शेयर है जिसके अंदर काफी टाइम से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस शेयर के अंदर अब गुड न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है, क्या वापस यस बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है इस गुड न्यूज के बाद, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों जो HDFC और HDFC बैंक है इन दोनों शेयर्स के अंदर आज तेजी देखने को मिली है और इन दोनों शेयर्स को लेकर एक गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है, तो उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और मार्केट का क्या हाल रहा वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर फटाफट मिलते जाएंगे और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आज बात करें मार्केट के हाल की, तो आज सेंसेक्स निफ्टी के अंदर आज तेजी देखने को मिली, 1% की तेजी के साथ जो है आज सेंसेक्स और निफ्टी जो है क्लोज हुए हैं, और ये जो तेजी है ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ज्यादातर रही और मिड कैप इंडेक्सेस के अंदर आज गिरावट देखने को मिली, और उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स वो भी थोड़े डीले रहे, मतलब ज्यादातर जो तेजी आज देखने को मिली है वो ज्यादातर जो तेजी है लार्ज कैप स्टॉक्स के कारण देखने को मिली है। और आज सबसे ज्यादा तो तेजी मतलब जिस शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली है वो L&T टेक्नोलॉजी का शेयर है, 6% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है, मतलब IT सेक्टर में अभी पिछले कुछ दिनों से हमें जो तेजी देखने को मिली और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ टाइम से दोनों ही सेक्टर जो है अटके पड़े हुए थे, अभी अटके पड़े हुए थे मतलब उनके अंदर गिरावट भी थी, तो अभी कुछ दिनों से इन दोनों सेक्टर्स के अंदर ही काफी अच्छी तेजी है जिसके कारण यह है कि बाजार में भी रौनक लौट रही है। तो दोस्तों आज HDFC और HDFC बैंक में भी 2-3% की तेजी रही, तो HDFC बैंक में जो तेजी रहने का कारण है जो HDFC की लोन बुक है उसके अंदर क्या है कि ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब जो लोन देती है लोगों को जिससे क्या है कि ब्याज से उसकी इनकम होती है तो उसके अंदर थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, तो उसकी जो लोन बुक के अंदर ग्रोथ हुई है 17% की, मतलब लोगों को जो लोन देती है उसके अंदर 17% का इजाफा हुआ है, तो ये लोन से ज्यादातर इनकी कमाई होती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी इनकम बढ़ी है। फिर अब ये लोन दे रहे हैं तो डिपॉजिट भी होना चाहिए, मतलब बैंक के अंदर पैसे लोग जमा कराएंगे तो ये आगे लोन दे पाएंगे, तो इनकी डिपॉजिट के अंदर भी ग्रोथ हुई है, तो वो ग्रोथ लगभग 21% जैसी ग्रोथ देखने को मिली है इनके डिपॉजिट्स के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है HDFC कंपनी के लिए, और इसके कारण भी आज HDFC शेयर के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है, और काफी दिनों से HDFC बैंक का जो शेयर है वो भी अटका हुआ पड़ा है, मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है अभी ये पॉजिटिव जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बाद हमें ग्रोथ देखने को मिले, अभी Q4 के रिजल्ट आना भी बाकी है जिसके बाद क्या है कि और भी काफी सारे शेयर्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे मार्केट के अपडेट्स, अब दोस्तों जानते हैं जो यस बैंक का शेयर है उसके अंदर क्या गुड न्यूज है। तो दोस्तों अगर आज बात करें यस बैंक के शेयर के अंदर भले ही थोड़ी बहुत गिरावट रही है, मतलब ज्यादा गिरावट तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, भले ही आज गिरावट रही हो पर इसके ऊपर एक गुड न्यूज भी आती हुई नजर आ रही है जिसके कारण हो सकता है आने वाले टाइम में शेयर के अंदर तेजी भी देखने को मिल सकती है। ये भी यस बैंक के शेयर की बात करें तो यस बैंक के शेयर ने पिछले एक साल के अंदर बढ़िया रिटर्न बना के दिए, मतलब 24.75 रुपए पर ये हाई जाके आया है, मतलब एक साल के अंदर तो काफी बढ़िया रिटर्न इसने बना के दिए, पर ये 24.75 पर हाई बनाने के बाद क्या है कि उसके बाद इस शेयर के अंदर गिरावट भी हुई है वापस, लगभग आज शेयर की प्राइस जो चल रही है 15.25 रुपए, तो इसका जो 52 वीक मतलब एक साल का हाई है उससे लगभग 40% तक की अभी गिरावट हो चुकी है, जिन लोगों ने 10,000 रुपए लगाए थे उसके पास अभी 6,000 रुपए जैसे बच गए हैं, तो इतनी ज्यादा गिरावट हुई है यस बैंक के शेयर के अंदर, मतलब अपना जो 52 वीक का हाई बनाने के बाद ये गिरावट है, तो अभी ये जो गिरावट आई है उसके बाद क्या है कि अभी एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है यस बैंक के शेयर को लेकर, तो ये गुड न्यूज ये है कि जो यस बैंक है उसके भी लोन बुक के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, ये जो ग्रोथ है करीबन 5.2% की ग्रोथ हुई है, और लास्ट ईयर सेम मंथ से करीबन 14% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये भी लोन देती है और ब्याज से ही कमाई होती है, तो मैंने अभी आपको HDFC वाले बैंक के एग्जांपल के अंदर भी समझाया था, लोन देती है तो डिपॉजिट भी जमा होने पड़ेंगे, तो डिपॉजिट जो है उसके अंदर 10.6% की ग्रोथ देखने को मिली है, ये भी काफी अच्छी बात है यस बैंक के शेयर के लिए। तो मतलब ओवरऑल देखिए तो यस बैंक का जो बिजनेस है वो बड़ा है, Q4 के रिजल्ट भी काफी अच्छे आ सकते हैं यस बैंक के, और इस शेयर के अंदर हो सकता है तेजी भी हमें देखने को मिल जाए, और ये कंपनी जो है FY22 के अंदर प्रॉफिट के अंदर आई है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव बात है क्योंकि पिछले 1-2 सालों से कंपनी जो है लॉस मेकिंग थी और FY22 के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आई है, और FY23 के जो रिजल्ट हैं वो भी काफी अच्छे देखते हुए नजर आ रहे हैं, और जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट है 3 क्वार्टर के FY23 में रिजल्ट आए हैं और वो काफी अच्छे आए हैं, और भी Q4 का रिजल्ट आना बाकी है,
उससे भी उम्मीद है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है काफी अच्छा आ सकता है, क्योंकि अभी इसकी लोन बुक के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, डिपॉजिट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, तो हो सकता है इसके रेवेन्यू के अंदर और ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिले आने वाले टाइम में। इसके फाइनेंशियल्स और ज्यादा सुधर सकते हैं, अगर सुधरते हैं तो क्या है कि कंपनी पर विश्वास और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो लोग क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड ज्यादा रहेंगे। और अभी आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल रुपया आया है उसके अंदर भी यस बैंक शायद शामिल है। बाकी दोस्तों मैं आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी गुड न्यूज आई है उसको लेकर। फिर दोस्तों बात करते हैं जो एवलॉन टेक्नोलॉजी का आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए कल की तारीख मतलब 6 अप्रैल को लास्ट डेट है, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। और दोस्तों आपके पास है, आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। देखा जाए तो टोटल अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखें 2 दिन के अंदर तो बहुत ज्यादा कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, मतलब 10% के आसपास ही सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत ज्यादा कम है 2 दिन के अंदर, मतलब टोटल 0.10 गुना के आसपास ही सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है। और देखा जाए तो पिछला जो आईपीओ आया था उदय शिवकुमार इंफ्रा का, उसके अंदर भी कोई खास अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली, जिसके कारण क्या कि इस आईपीओ पर भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं है, डिमांड भी ज्यादा नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर। क्यूआईबी पोर्शन 0 गुना सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई पोर्शन 0.05 गुना, रिटेल पोर्शन 0.48 गुना, मतलब टोटल 0.10 गुना के आसपास बहुत ज्यादा कम सब्सक्रिप्शन है। फिर अगर बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की तो सिर्फ 10 रुपए के आसपास उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 34 शेयर का ये लॉट है, 340 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज सिर्फ 2% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अभी देखिए ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज तो कम चल रहा है, फिर बाद में बढ़ जाए तो पता नहीं, क्योंकि अभी ग्रे मार्केट का भी कोई ज्यादा भरोसा नजर नहीं आ रहा है। उदय शिवकुमार इंफ्रा का जो आईपीओ था 30% जीएमपी चल रही थी और लिस्टिंग हुई नेगेटिव, तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ भी हो रहा है। पर आज की तारीख में जो सारी स्थितियां उस हिसाब से डिमांड कम चल रही है, सब्सक्रिप्शन भी कम है, और 6 अप्रैल कल की तारीख में लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो अभी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखिए जो आंकड़े नजर आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम, उस हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि हम लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करें, और ज्यादा लिस्टिंग गेंस की भी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। फिर दोस्तों अगर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से एवलॉन टेक्नोलॉजीज के साथ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है जो भी इसके कस्टमर्स हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ भी पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो उनको एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब हर कंपनी तो जो है कि अपना पार्ट वगैरह सारे पार्ट तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, तो ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनको ऑर्डर देती है, तो ऐसी काफी सारी कंपनीज इसकी कस्टमर्स हैं। समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी का काम बढ़िया है, नो डाउट कंपनी जबरदस्त है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंपनी बढ़िया है, पर इसके साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। लिस्टेड कंपनियों के साथ भी कंपटीशन है, और कंपनियां काफी ऐसी है जो लिस्टेड नहीं है उनके साथ भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, साल दर साल एसेट्स रेवेन्यू प्रॉफिट सब में ग्रोथ है। मतलब ऐसे अगर फाइनेंशियल्स हो तो कंपनियों के अंदर क्या है कि हमें थोड़ा विश्वास जग जाता है। एसेट्स के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। पर इसके अंदर एक कमी है, इसके ऊपर डेप्ट भी काफी ज्यादा है, 294 करोड़ रुपए का डेप्ट है आज की तारीख में। हालांकि जो आईपीओ से पैसे जुटाई गई उसके अंदर 45% मतलब करीब करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास जो है लोन चुकाने के अंदर काम आएंगे, पर फिर भी उसके ऊपर करीबन 140 करोड़ से ऊपर का डेप्ट रह जाएगा इस कंपनी के ऊपर, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, लोन तो है कम होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसके प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड वाइज भी मुझे थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से, मतलब जो पी रेशियो उस हिसाब से भी हमने इसको कंपेयर किया था तो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। मतलब ये आईपीओ जो है सस्ता तो नहीं है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है इसके अंदर जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी, और उसके अलावा ग्रीन एनर्जी के अंदर जो ये सोलर वगैरह आते हैं, तो उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वगैरह चाहिए होते हैं तो उन कंपनीज को ये सप्लाई करती है, उनके क्लाइंट्स भी इसके पास ज्यादा है, और एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी काफी इसके कस्टमर्स हैं, तो कंपनी इसको थोड़ा हाईलाइट करके बता रही है और कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। नो डाउट कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और आप इसको फ्यूचर के लिए देख सकते हैं, पर अभी इस प्राइस बैंड पर मुझे थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, हो सकता है भविष्य में थोड़ा और सस्ता हमें देखने को मिल जाए। और अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन तो कम है, बाद में पता नहीं लिस्टिंग वाले दिन क्या है कि अचानक बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी उदय शिवकुमार इंफ्रा के आईपीओ में भी देखने को मिला। और बाकी पर्सनली मुझे अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा भी महंगा भी नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें तो डिमांड नजर नहीं आ रही है, तो पर्सनली मेरा इरादा तो नहीं है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और बाकी दोस्तों कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई होगी एवलॉन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को लेकर,
और बाकी सारे जो न्यूज़ थी वो भी आपकी क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे जानकारी वाले वीडियोस बनाने का। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, और बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।